हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री, वन चैनल फॉर ऑल योर माइनिंग क्वेरीज। आज के इस वीडियो में हम टोटल 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसको मैंने सीएमआर माइंस एक्ट 1952 डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से लिया है। ये 200 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यदि आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे ऐसे ही आपको 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के मिले, तो आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ हर एक वीडियो, हर एक प्रैक्टिस सेट आप तक सही समय पर पहुंचे और आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए इन बातों को पीछे छोड़कर अब हम बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ, आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, नोनेल मींस, नोनेल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, या फिर नोनेल में दोनों इंक्लूड होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है नोनेल का मतलब। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डैश इज द एक्ट ऑफ रीस्टोरिंग द क्वेरीड एरिया, क्वेरीड एरिया मतलब जहां से हम लोग क्या कर चुके हैं, माइनिंग कर चुके हैं, टू द प्री क्वेरी स्टेट एंड रेंडर इट यूजफुल। ये एक डेफिनेशन है, ये एक्ट समझिए कि एक्ट है, ऐसा हम लोग क्या करते हैं माइनिंग करने के बाद उस एरिया को रीस्टोर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्वेरीड एरिया को रीस्टोर करने को। ऑप्शन नंबर ए रीस्टोरिंग, ऑप्शन नंबर बी रिक्लेमेशन, ऑप्शन नंबर सी री इन्फ्यूजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी, यानी रिक्लेमेशन और री इन्फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिक्लेमेशन। अगर कोई बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ऑप्शन ए वो गलत है, रीस्टोरिंग कुछ और चीज होता है, ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिक्लेमेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ दीज माइनिंग मशीन्स कैन बी कंपेयर टू फार्मर्स प्लग, प्लग मतलब होता है जो, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप देखे होंगे कि जो हल जोतता है बैल में लगा के, वो हल कैसे होता है, इस टाइप का कुछ आकार का होता है। तो इस टाइप का आकार का कौन सा माइनिंग एक मशीन होता है जिसको हम लोग फार्मर्स के प्लग से यानी उस हल से कंपेयर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर बी रीपर, ऑप्शन नंबर सी चॉपर, ऑप्शन नंबर डी बुलडोजर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रीपर। रीपर को हम लोग किस में जनरली अटैच करते हैं, बुलडोजर में अटैच करते हैं, वो क्या करता है ग्राउंड के अंदर जाके सरफेस को कट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डैश मशीन इज यूज फॉर लेवलिंग द रोड सरफेस। अब जो रोड सरफेस है, मान के चलिए ओपन कास्ट माइंस है जो हॉल रोड है जिससे डंपर और बड़े बड़े मशीनों का आना जाना होता है, वैसे रोड को लेवल करने का काम कौन सा मशीन करती है? ऑप्शन नंबर ए स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर बी रोड लेवलर्स, ऑप्शन नंबर सी ग्रेडर, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेडर का ये काम होता है, उस मशीन जो रोड को लेवल करती है, सरफेस को लेवल करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मोड ऑफ माइन एंट्रेंस कुड बी, इनमें से कौन सा जो है एक माइन का एंट्रेंस हो सकता है, एंट्रेंस का मोड हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इंक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी एडिट, ऑप्शन नंबर सी शाफ्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, इंक्लाइन एडिट और शाफ्ट, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया, इसीलिए तीनों जो है वो मोड ऑफ एंट्रेंस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डैश इज एन एरिया इन अ माइन हैविंग अ नंबर ऑफ वर्किंग प्लेसेस। ये अंडरग्राउंड माइंस का जनरली बात किया जा रहा है। अंडरग्राउंड माइंस में उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें बहुत सारे वर्किंग प्लेसेस मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर ए गैलरी, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर सी ड्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर डी वर्किंग प्लेस। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। A road which is driven along the strike of a seam is called, seam के along the strike अगर कोई road को ड्रिवेज किया जा रहा है तो उस road को हम लोग क्या बोलेंगे? Option number A level gallery, option number B deep, option number C deep gallery, या फिर option number D A and B, यानी कि level gallery या फिर deep। Question number 7 का right answer होगा option number A, उसको हम लोग level gallery बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द वर्किंग आर एज्यूम्ड एज मॉडरेटली डीप इफ द डीप इज, एक वर्किंग है उसको हम लोग कब बोलेंगे कि वो मॉडरेट डीप है, मतलब जहां हम लोग वर्किंग कर रहे हैं वो मॉडरेट डीप है, उसका डेप्थ कितना होने पे? ऑप्शन नंबर ए बिलो 200 मीटर है तो उसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी 200 से 450 मीटर का डेप्थ को हम लोग मॉडरेटली डीप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी 450 से 600 मीटर को हम लोग मॉडरेटली डीप बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी 900 मीटर से ज्यादा होगा तब उसको मॉडरेटली डीप बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 से 450 मीटर जब डेप्थ हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेटली डेप्थ सीम या फिर स्टाटा बोल सकते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कोल सीम पे मेरा वीडियो बना हुआ है, जिसमें मैंने डेप्थ को कवर किया है, डिग्री ऑफ गैसिनेस, इंक्लाइनेशन, सारा चीज को कवर किया है कि कैसे हम लोग इंडियन कोल सीम को बांटते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करके या सर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश इज एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर। ऐसा कौन सा एक्सप्लोसिव है जो दो लिक्विड के मिक्सचर से बनता है लेकिन वो दोनों लिक्विड आपस में डिजॉल्व नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्लरी, ऑप्शन नंबर बी एनफो यानी एनएफओ, ऑप्शन नंबर सी इमल्सन, ऑप्शन नंबर डी ऑल तीनों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इमल्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटिजीवस सीम डिपेंड्स प्राइमरली ऑन। कंटिजीवस सीम में जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका मेथड किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर ए थिकनेस ऑफ पार्टिंग, जो हम लोग पार्टिंग छोड़े हैं कंटिजीवस सीम में उसका थिकनेस क्या है, रूफ सपोर्ट वहां का, डिग्री ऑफ गैसिनेस क्या है उस माइंस का, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थिकनेस ऑफ पार्टिंग। ठीक है, ये सबसे मेन एक तरह से समझिए डिपेंडेंस है एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटिजीवस सीम का, कि किस मेथड से हम लोग कंटिजीवस सीम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। जो भी बच्चे माइनिंग सरदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी या फिर आने वाले दिनों में, उनके लिए माइनिंग मिस्ट्री चैनल के तरफ से सीएमआर का पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये पीडीएफ में आपको टोटल 800 प्लस क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जिसमें रेगुलेशन नंबर 3 से रेगुलेशन नंबर 260 तक में 800 प्लस क्वेश्चन और आंसर उसमें आपको मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट माइनिंग फुल फॉर्म मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू सीएमआर मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि माइनिंग सरदार प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस कोर जो सब्जेक्ट है वो है सीएमआर 2017। अभी जो है ऑफर में 15% डिस्काउंट भी चल रहा है, अगर आपको लेना है तो अभी आपको 15% डिस्काउंट इसमें मिल सकता है। पीडीएफ को परचेस करने के लिए आप 9122105819 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इस पीडीएफ को परचेस करके अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सेक्शन गिव्स पावर टू इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट माइंस एट एनी टाइम। कौन सा सेक्शन जो है एक इंस्पेक्टर को ये पावर देता है कि कभी भी दिन हो चाहे रात हो वो माइंस के इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। यहाँ पे सेक्शन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 7 ये इंस्पेक्टर को पावर देती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन। कमिटी कौन से सेक्शन के अंदर गठित होती है? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 14। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा 12 यानी ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 12 के अधीन कमिटी का गठन होता है। डैश सॉल कंस्टिट्यूट कमिटी, अब कमिटी के मेंबर को बनाता कौन है, मतलब अपॉइंट कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी सीआईएम, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमिटी कंस्टिट्यूट करती है, कमिटी के मेंबर्स को अपॉइंट करती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कमिटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स इन कमिटी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मे टेक एक्सपेंसेस ऑफ एनी इंक्वायरी फ्रॉम। अब जो इंक्वायरी होता है, जो इंस्पेक्टर इंक्वायरी करता है, उसका जो एक्सपेंस है, उसका जो खर्चा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट किससे वसूली करेगी? ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर और एजेंट से सिर्फ करेगी, ऑप्शन नंबर डी सीआईएम से करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओनर और एजेंट से, इसमें मैनेजर का कोई भागीरथी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 नोटिस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन शुड बी गिवन टू। रेगुलेशन नंबर 3 में हम लोगों ने नोटिस ऑफ ओपनिंग पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 16 माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले नोटिस किसको देना है? ऑप्शन नंबर ए सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी डीएम, ऑप्शन नंबर सी आईबीएम यानी इंडियन कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ठीक है, तीनों को नोटिस दिया जाता है और रेगुलेशन 3 के बेसिस पे हम लोग इसका एक कॉपी सेंड करते हैं रीजनल इंस्पेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, डैश सॉल इंश्योर करेक्ट सेटिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन। कौन सा पर्सन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करेगा कि अंडरग्राउंड माइंस में बूस्टर फैन का सेटिंग और इंस्टॉलेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सरदार, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु विल सी दैट नो ओवरक्राउडिंग ऑफ मैन एंड मशीनरी टेक्स प्लेस एट वर्किंग प्लेस। कौन ऐसा पर्सन है जो ये इंश्योर करेगा कि फेस पे या फिर वर्किंग प्लेस पे किसी भी तरह का ओवरक्राउडिंग यानी कि ज्यादा भीड़ भाड़ मैन या फिर मशीनरी का ना हो?
ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सरदार, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फैन ब्लेड ऑफ एमएमबी शुड बी क्लीन्ड वंस इन डैश डे। एमएमबी का जो फैन ब्लेड होता है उसको कितने समय में एक बार कम से कम साफ करना होता है। ऑप्शन नंबर ए 24 आवर, मतलब 24 घंटा में एक बार, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन में एक बार, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन में एक बार, या फिर ऑप्शन नंबर डी जब भी नेसेसरी हो, मतलब जब उसका जरूरत हो तब। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्हेनेवर नेसेसरी, ठीक है, जब भी जरूरत हो तब क्या होगा उसका सफाई किया जाएगा। और एफिशिएंसी की बात करें तो 3 महीने में एक बार वेंटिलेशन ऑफिसर चेक करते हैं, और उसका स्पीड का बात करें, वाटर वॉच का बात करें, तो कितने दिन में, एक दिन में कम से कम एक बार चेक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आफ्टर एनी स्टॉपेज ऑफ वाइंडिंग फॉर रिपेयर फॉर अ पीरियड ऑफ डैश बैंक्समैन शैल नॉट अलाउ एनी पर्सन टू राइट इन अ केज। कितना देर तक अगर वाइंडिंग जो है वो बंद है तब जो बैंक्समैन है वो किसी को भी केज में राइड नहीं करने देगा। और बंद किस कारण से, रिपेयर हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, कुछ भी कारण से अगर वाइंडिंग सिस्टम बंद है तो उसके बाद उतने देर के बाद जो है क्या करेगा, बैंक्समैन अलाउ नहीं करेगा किसी को केज में राइड करने का। ऑप्शन नंबर ए 3 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 4 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 2 घंटा से ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 घंटा से ज्यादा, जब वाइंडिंग अरेंजमेंट वाइंडिंग सिस्टम बंद हो जाता है उसके बाद एक पूरा राउंड मारेगा ऊपर से नीचे केज, तभी जो है वो बैंक्समैन अलाउ करेगा केज में किसी को भी राइड करने के लिए। ये सेफ्टी पर्पस से रेगुलेशन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अपना लास्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, डैश शुड इंश्योर दैट क्ले सैंड फॉर स्टीमिंग इज अवेलेबल इन सफिशियंट क्वांटिटी। स्टीमिंग वर्ड आप देख के ही इसका आंसर समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपके ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सरदार, ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट फायरर, ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि माइंस में कौन इंश्योर करे कि प्रॉपर मात्रा में क्ले या फिर सैंड बालू मिट्टी जो है वो स्टीमिंग पर्पस के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट फायरर, शॉर्ट फायरर की ये ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी होती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माइनिंग मिस्ट्री चैनल से जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।